हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश वीडियो। एक नई फ्रेश स्वादिष्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट भरत। तो भाई आज आपको मैं कौटिल्य मार्ग में, जो आपका पड़ जाता है चाणक्यपुरी में, और मेरे पीछे की साइड से देख सकते हैं यहां पे गुजरात भवन पड़ जाता है। आप गुजरात भवन से अंदर को आएंगे तो यहां पे पड़ जाता है विक्रम स्वीट्स। तो भाई आज हम आ रहे हैं विक्रम स्वीट्स पे, और आज हम बनाने वाले हैं पालक पनीर की रेसिपी। कैसे शादी में पालक पनीर तैयार होता है एकदम शुरुआत से दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो देर नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारे साथ अंकल जी, अंकल जी का नाम जान लेते हैं एक बार। अंकल जी आपका नाम क्या है? राम कुमार गौड़। आज मैं पालक की पनीर का सब्जी बनाया। तो आज हम ऑथेंटिक तरीके से शादी में जैसे बनते हैं वैसे ही बनाने वाले हैं। वैसे ही बनाने वाले हैं। तो अंकल जी आप कितने साल के हो? 66 साल के। और आपको कितना टाइम हो गया विक्रम स्वीट्स पे काम करते हुए? सन 86 से आप काम कर रहे हैं। और अंकल जी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने हैं। तो अंकल सारे काम करते हैं, तो शादियों में भी करते हैं, पार्टियों का ऑर्डर भी लेते हैं। तो अंकल जी से देखते हैं आज पालक पनीर कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करें। ठीक है, 1 किलो पालक है। 1 किलो पालक। एक कुल मिला के 100 ग्राम है। 100 ग्राम है। 100 ग्राम टोटल है या टोटल मिला के? मिर्ची, लहसुन है, अदरक। अच्छा ठीक है, टोटल मिला के भाई 100 ग्राम डालना है। तो ये लो जी आपका पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। प्याज की क्वांटिटी कितनी रहने वाली है अंकल जी? प्याज कम से कम तो 150 ग्राम प्याज। अच्छा, 150 से 200 ग्राम। ठीक है। और पालक की क्वांटिटी 1 किलो रहने वाली है। 15 आदमी। अच्छा, तो 15 आदमी के हिसाब से ये तैयार हो रहा है पालक पनीर। 1 चम्मच मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना। हाँ जी। तो भाई 1 चम्मच भूलने के लिए, पालक को भूलने के लिए। हाँ, हम पानी भिगो देंगे। अच्छा, भूल जाइए। तो अभी इसको भिगोने डाल देंगे। हाँ जी, पानी भिगोएंगे। ठीक है। कितनी देर तक भिगोने रखना होता है? अभी 5-7 मिनट। 5-7 मिनट के। ये जो जलेगा नहीं है। अच्छा, नहीं तो जलेगा नहीं, पकेगा नहीं, सब सख्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो भाई ये पालक पीस के तैयार हो चुकी है, ग्राइंड कर दिया गया इसको। तो कितना टमाटर काटना है जी? 200 ग्राम। ठीक है, उबालना पड़ता है। उबालेंगे नहीं, हम देसी बना रहे हैं, देसी के घर में बच्चे बना रहे। अच्छा ठीक है, घर में कहीं मशीन होती कहीं नहीं होती है। हाँ, तो इनको इनको उबाल भी सकते हैं? नहीं भी उबाल सकते हैं। अच्छा, उबालने में पास टाइम नहीं है। अच्छा, घर में बना रहे तो इसे काट लो, टमाटर से भूज के गला लो। अच्छा, तो अभी इसको उबालेंगे नहीं। ठीक है, रिफाइंड कितना चलेगा अंकल जी? 150 ग्राम। 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम रिफाइंड डालना है। तो जो मेथी थी वो मेथी इसमें डाल दिया। तो अंकल अभी थोड़ा कितनी देर तक करना है इसे? ब्राउन हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो ये डाल दिया हमने पालक। पालक भूल रहे हैं? हाँ, पालक भूल रहे हैं। पालक को भून रहे हैं अंकल। पालक को कितनी देर तक भूनना होता है? ब्राउन हो जाए। अच्छा, हल्का सा ब्राउन हो जाए। भाई ये देखो, ये हो चुका है रेडी, पालक पूरा भून चुका है। अब इसमें मसाला डालेंगे। तो ठीक है, अभी मसाला तैयार करते हैं, तो आपको इसके अगले स्टेप दिखाते हैं। रिफाइंड डाले हुए अंकल? 100 ग्राम रिफाइंड। तो भाई ये प्याज फ्राई होने के लिए डाल दिया इसमें रिफाइंड ऑयल में। तो क्वांटिटी आपको बता दी थी आपकी, 150 से 200 ग्राम आपका प्याज होने वाला है। प्याज लगभग भुन चुकी है, लाल हो गई है। तो ये हमने डाल दिया है पेस्ट जो बनाया था, हरी मिर्च और अदरक लहसुन पेस्ट जो बनाया था। 1 चम्मच कुटी मिर्च, धनिया एक चम्मच हो गया, कश्मीरी मिर्च। ठीक है, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच हो गया, हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हो गया नमक, और ये आपका पनीर है कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी कितनी है? ये भी वही होगी, 1 चम्मच, एक डेढ़ चम्मच के आसपास। और ये आपका पनीर है। तो भाई ये लो जी डाल दिए मसाले। क्या हुआ?
लगभग 5 से 7 मिनट तक वो प्याज को भूनने के बाद से अभी इसमें मसाले डाल दें। और कितनी देर तक भूनना है इनको? जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। अच्छा ठीक है, तो अभी टमाटर डाल देते हैं। तो भाई ये है पालक पनीर के लिए पनीर, आधा किलो पनीर, आधा किलो पनीर काटना है। और लगभग साइज कितना रहता होगा इसका अंकल? साइज बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्लाइस कर लेते हैं। ये साइज रखना, ये साइज ज़्यादा छोटा नहीं हो ज़्यादा बड़ा रहना, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, रखना ज़्यादा छोटा नहीं रखना, मीडियम रखना है। देखो साइज इतना, हल्का सा पानी, टमाटर जल्दी गल जाए, टमाटर जल्दी गल जाए इससे। गरम मसाला साबुत अपने हाथ से हम बनाते हैं। एक चम्मच गरम मसाला साबुत, साबुत अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा आप खुद ही तैयार करते हैं? ठीक है, तो भाई लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी लगभग गल चुका है। तो आप डालेंगे अंकल में ये पालक? ये लगभग गल चुका है भाई, खुशबू देख लो कितनी बढ़िया आ रही है। और लगभग सारे मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो ये रही हमारी भाई पालक, तो ये लो जी भाई पालक डल गई है। और ये रंग देख लो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है। अब अंकल इतने इसे कितनी देर तक रखना होगा? बस 2-3 मिनट और, 2 से 3 मिनट तक और रखना है इसको। ठीक है, तो फिर ये तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद पनीर डालना है। ठीक है जी, ये देखो, ये देख लो जी रंग इसका पालक पनीर का। अभी इसमें पनीर डाला जाएगा और सारे मसाले डाल चुके हैं। तो भाई ये डाल दिया हमने पनीर, और पनीर का साइज़ देख लो भाई सबका बराबर साइज़ है, ज़्यादा बड़े नहीं काटने, ज़्यादा छोटे नहीं काटने, सबका साइज इक्वल काटना है। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और लगभग 2 से 3 मिनट तक रखना है अंकल जी। ठीक है, तो ये 2 से 3 मिनट तक रखना है और ये बन के तैयार। तो भाई ये 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और ये बन के तैयार है लगभग। तो भाई ये ऊपर से डाल दिया धनिया गार्निशिंग के लिए। तो ये आपका पालक पनीर बनके तैयार हो चुका है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये शादी में भी ऐसे ही तैयार किया जाता है अंकल जी? हाँ जी हाँ जी। तो ये देख लो शादी में भी ऐसे ही तैयार किया जाता है पालक पनीर। आई होप हम चौड़े चौड़े काटते हैं, बड़े बड़े। अच्छा चौड़े चौड़े काटते हो? हाँ, बड़े बड़े। अच्छा, तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसे ही मेरे चैनल पर और रेसिपी के वीडियो आते रहेंगे। Thank you so much. Over and out.